और ये रास्ता है मनसा देवी मंदिर, और चलते हैं मनसा देवी मंदिर, ऊपर पहाड़ पर है। जय माता दी, माता का मंदिर है ये, और ये ऊपर हम जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर, और उनके दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। शंभु भोलेनाथ महाकाल, हर हर शंभु, जय माता दी, 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 जय हो, जय बोले मनसा माता की जय। फोटो भी लेंगे, प्रसाद लेगा, लेंगे लेंगे। सूर्य मंदिर भी आ गया, मंजिल मिली गई आखिर, आखिर मंजिल मिली गई, बहुत जल्दी मिली आज। ये देखो चेहरा, थकावट बिल्कुल महसूस हो रही है चेहरे से। और ये देखिए कितना प्यारा नन्ना मुन्ना बच्चा, कितनी एज है आपकी? मेरी 12 ईयर। नाम क्या है? टार्जन। टार्जन नाम, वो जंगल वाला टार्जन या? और ये देखिए कहाँ उल्टा कर रखा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हरिद्वार की एक और ट्रिप में। और हम जो हैं गंगा में स्नान करने के बाद और खाना खाया, और खाना खाने के बाद तुरंत हम चल दिए माता मनसा देवी मंदिर पर। तो उसकी कुछ झलकियां देखिए, क्योंकि वीडियो हमने 3 पार्ट में बनाया है, तो ये 3रा पार्ट है, यानी कि लास्ट पार्ट है हरिद्वार राइड का। तो आप देखें और इसका आनंद लें और माता जी के दर्शन करें। और मैं दिखाऊँगा कि कितने बहुत ही ऊपर है, जहाँ पे हम गए थे बहुत ज़्यादा ऊपर था मंदिर, और बहुत ही सीढ़ियाँ लांग के जाना पड़ा, और थक भी गए थे बहुत ज़्यादा था। तो बने रहिए हमारे साथ और इस पार्ट का आनंद उठाइए। और ये यहाँ प्रसाद वगैरह दुकानें शुरू हो गई हैं। जो देखिए, और काफी ऊंचे आ गए हैं, बहुत ऊंचा ही है, और सांस भी चढ़ने लगा है। देखिए सीढ़ियां देखिए, अभी और भी चढ़नी पड़ेगी, बहुत ऊपर है भाई। और भी है, अभी और भी सीढ़ी है, और भी चढ़ के जाना पड़ेगा भाई। और ये दुकानें हैं प्रसाद वगैरह की। यस, और बहुत ऊपर जाना पड़ेगा अभी और भी। देखिए वो, देखिए बोला भी नहीं जा रहा है यार। अरे देखिए खुले पैसे वगैरह चढ़ाते हैं, देखिए इन्होंने रख रखी है करेंसी, ये खुले हैं चेंज।
चेंज लेना हो किसी भी यहाँ से ले सकते हो। ये देखिए कितने ऊपर आ गए हैं। और कुछ जो हैं चढ़ियाँ गिन भी रही हैं लेकिन हमें तो पता नहीं कितनी चढ़ गई। वो देखिए मंदिर अभी भी बहुत ऊपर है और वहाँ तक चढ़कर जाना पड़ेगा। ये देखिए सीढ़ियाँ ऐसे घूम के और फिर उधर देखिए। ये देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर है मंदिर और आधा तो हो गया होगा, कम से कम आधा हो चुका है, थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा और अभी बहुत ऊपर जाना पड़ेगा लेकिन सांस फूल रही है, थक चुके हैं लेकिन हार नहीं माननी है, धैर्य रखना है। जय माता मनसा देवी। और चलते हैं आगे, बने रहिए हमारे साथ और आप भी कीजिएगा दर्शन। अभी हम करेंगे माँ मनसा देवी जी के दर्शन, तो आइए चलते हैं और आपको भी कराते हैं। और फिर से शुरू कर दिए, बीच में थोड़ा सुस्त आए, सांस लिया क्योंकि सांस बहुत ज़्यादा फूल गई थी इसलिए रुके थे। अब चलते हैं फिर से क्योंकि दर्शन तो करने ही हैं और आपको भी कराने हैं। एक बार देखिए और ये देखिए ये रोड भी है, इधर पहाड़ी के ऊपर रोड भी है। ये देखिए ये रोड आ गया है, जैसे ऊपर पहाड़ियों के ऊपर रोड बने हुए होते हैं ऐसे ही है जो तारकोल वाला रोड बजरी वाला। ये देखिए अभी वो मंदिर है, देखिए अभी और भी काफ़ी चढ़ाई है, वो मंदिर है और इधर से फिर ऊपर जाएंगे। अब भी कुछ संतल आया है, चलते हैं। ये देखिए कहाँ से आए हैं हम और आप अनुमान लगाइए, देखिए कितना ऊंचा है। ये देखिए ये नीचे है और वो गंगा जी नदी है, देखिए अब देखिए कितनी 395 पौड़ी वहाँ तक हो गई थी और अब आगे और भी है। और ये देखिए थोड़ा पहाड़ियों का भी नज़ारा, हरी भरी भी हैं सपाट भी हैं। और ये देखिए आपको धीरे धीरे दिखा देते हैं, पहाड़ियों का व्यू जो है बहुत ही सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। और चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है भाई, मनसा देवी मैया तभी तो मन की पूरी होती है। कहते हैं कि इस देवी के जो दर्शन करता है और मन्नत मांगता है, कोई धागा वागा बांधना पड़ता होगा और जो मन्नत मांगता है तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है, इसीलिए इतनी बड़ी पौड़ियाँ हैं। वो देखिए नीचे रोड भी है, रास्ता भी बना हुआ भाई, वो देखिए वो रास्ता भी है, उस रास्ते से भी लोग आते होंगे, परंतु इस पर जो है ना ज़्यादा पहाड़ियाँ वो पौड़ियाँ हैं, पौड़ी पर को चढ़ के आना पड़ता है। तो बने रहिए अभी और भी दिखाएंगे थोड़ा। और एक चीज़ और दिखा देते हैं कि ये देखिए ट्रॉली भी है, जो तारों के ऊपर को ट्रॉली जाती है ना, ये इलेक्ट्रिक होगी, वो देखिए जिससे नहीं चढ़ा जाता क्योंकि पौड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, नहीं तका जाता, शरीर में इतनी जान नहीं है, या बुज़ुर्ग हैं बच्चे हैं और मतलब जवान भी हैं तो शरीर में ताकत नहीं है, तो ये ट्रॉली करके भी ऊपर आ सकते हैं। वो देखिए कितनी ट्रॉलियाँ जा रही हैं, बहुत से व्यक्ति उसमें जा रहे हैं, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी। ये देखिए
ये पूरी तरह से आपको दिखाई दे रही होगी ट्रॉलियाँ, ये देखिए, ये भी मैं आपको दिखाना भूल गया था लेकिन अब दिखा दिया है। देखिए कैसे ये ट्रॉली आ रही है, ये देखिए। और अब चलते हैं ऊपर क्योंकि बहुत ऊपर है, अभी बहुत ज़्यादा ऊपर है, और बने रहिए हमारे साथ। अब की बार तो वहीं जाके मिलते हैं, बीच में अगर कोई व्यू दिखाई दिया तो हम ज़रूर दिखाएंगे आपको। और अब फिर से स्टार्ट हो गई है पौड़ी चढ़नी, वो बीच में थोड़ा सपाट आया था, अब से फिर पौड़ी चढ़ रहे हैं। पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, जय माता की करते जाओ। जय माता दी, माता दी। हाँ, और देखिए चैनल है पीके राजपूत करौंदी भी लोग, पीके राजपूत। हाँ अच्छा, कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? हैं कितने सब्सक्राइबर? 400। नया ही है, अभी ज़्यादा पुराना नहीं। चलो मैं भी सब्सक्राइब करता हूँ। कोई नहीं, कर लेना भैया, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद आपका। और ये भैया मिले थे, कह रहे हैं कि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत खुशी की बात है, एक सब्सक्राइबर और बढ़ जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। और बहुत ऊपर आ गए पर अब तक मंदिर नहीं आया। माता बहुत ऊँची है। हाँ तभी तो मनोकामना पूरी होती है, होती है। बनना हो, जय हो माता की। चैनल भाई का पीके राजपूत करौंदी, बहुत बढ़िया। शंभु जय हो, जय हो। शंभु भोलेनाथ महाकाल, हर हर शंभु। जय माता दी, 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 जय हो। दिल खुश कर दो भाई साहब, कड़क बोल मनसा माता की जय। फोटो भी लेंगे। जिला भिंड मध्य प्रदेश, ग्वालियर जिला भिंड मध्य प्रदेश से चंबल, चंबल हमारे दोस्त हैं और सब सब्सक्राइबर बन जाएंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। वीडियो पूरा मन से देखना, पूरा देखना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। बहुत अच्छे हैं। सुस्ता ही रहे हो? और ये थक गए हैं क्योंकि काफी ऊपर है। प्रसाद ले लेंगे। और ये मंदिर भी आ गया, मंजिल मिली गई आखिर। आखिर मंजिल मिली गई, बहुत जल्दी मिली आज। ये देखो चेहरा, थकावट बिल्कुल महसूस हो रही है चेहरे से, दिखाई दे रही है। वो देखो और ये देखिए, बड़ी मुश्किल से जो है मंदिर आ गया। बहुत ऊंची चढ़ाई है भैया, पूरी तरह से थक गए। 20-30-50 में क्या है, अरे सारा सिस्टम है। तो देखिए 20-30 और 50 का प्रसाद है, तो हम लेंगे 50 का। और अभी लेते हैं थोड़ा आराम, नहीं सुस्ताते हैं, आराम तो नहीं करते। और ये देखिए कितना प्यारा नन्ना मुन्ना बच्चा, कितनी एज है आपकी? मेरी 12 ईयर। नाम क्या है? टार्जन। टार्जन नाम, वो जंगल वाला टार्जन या कौन सा? पानी पियो, पीलो पीलो। कहाँ से हो? राजस्थान। किस जगह से ये भाई? टार्जन वाले किस जगह से? राजस्थान किस जगह से?
कौन सा जिला पड़ता है? हनुमानगढ़। गाँव? हनुमानगढ़ सिटी से ही। सिटी से ही लग रहे हो। और ये देखिए राजस्थान वाले टार्जन हमें मिले हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर बच्चा, ब्यूटीफुल। तो चलते चलते भैया हमारे साथ जाना। और अब नज़दीक बहुत ऊपर आ गए हैं, थोड़ा नज़दीक रह गया है, अब पास में ही है, चलते हैं। यार बैग देना, ध्यान नहीं रहा उसको, उसको बैग देना था। और थोड़ा दूर है, चलते हैं ऊपर जाके, आपको भी दर्शन कराते हैं और हम भी दर्शन करते हैं। और दर्शन के साथ धर्म लाभ उठाओ। चलो गिनी नहीं, अभी तो शुरू हुई है, गिनी है काउंटिंग की। अच्छा 720 भूल गया, 756 भूल गया, मेरे साथ 756। कितनी होगी अब, कितनी हो जाएंगी यहाँ तक? 782 पौड़ी हो गई, 782 पार करके तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब माता का मंदिर आ ही गया है, और अब चलते हैं दर्शन करते हैं। और ये देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, बड़ा ही रस है। ऊपर आके ज़्यादा हो गया, नीचे तो थोड़ा थोड़ा था ना, आराम आराम से आ रहे थे सभी सीधे सीधे, लेकिन यहाँ पर आकर जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा रस हो गया है। ट्रैफिक जिसको बोलते हैं, भीड़ हो गई है काफ़ी। तो देखिए कोई माता का मंदिर इधर भी है, देखिए। और ये देखिए पीछे, हमारे पीछे जो है कितना रस है, बहुत भीड़ है। और जो टार्जन भैया मिले थे वो पीछे है, देखिए कितना रस है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अभी बस मंदिर जो है आने वाला है, थोड़ा ऊपर है। और अभी तो ये देखिए कितने ऊपर हैं हम, और ये झील बहुत ही नीची झील है। और देखिए पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है पहाड़ियों का, और बड़ा मज़ा आएगा आपको देखकर, ज़रूर विजिट करें। ये देखिए देखिए कितना सुंदर व्यू है, कितनी ऊंचाई पे हैं हम, ये देखिए पहाड़ी पहाड़ी। और ये देखिए, और यहाँ से जो है व्यू थोड़ा अच्छा आ रहा है। ये देखिए वो सड़क है, ये देखिए सड़क है ऊपर, ये बना हुआ रास्ता। और ये देखिए झील, और वो देखिए नीचे कोई मंदिर है शायद, मुझे तो धूप में चमक नहीं रहा क्योंकि चोंद लग रही है आपको, वो कोई है बाहर दिखेगा। ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ, देखिए कितने नीचे मंदिर है, और देखिए ये कितनी ऊंची पहाड़ी है, और ये झील है वो देखिए, और ये माँ मनसा देवी की झील है, और ये उधर माँ मनसा देवी मंदिर है। ये देखिए हम इधर दर्शन करके आ गए, दर्शन की आज्ञा थी पर वहाँ पर वीडियो बनाने की आज्ञा नहीं थी, परमिशन नहीं मिली, इसलिए वीडियो नहीं बनाया गया। दर्शन तो खुले हुए, बहुत अच्छे हुए। ये देखिए, और इसके साथ साथ ही ये जो है पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी है। ये देखिए व्यू आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये देखिए। और ये देखिए जो सिटी बसी हुई है उधर, देखिए देखो कैसे घर चमक रहे हैं, सब एक से एक जैसे। और अब नीचे झील दिखा देते हैं आपको, वो देखिए यहाँ से ऋषिकेश दिखाई दे रहा है। ओहो, और ऋषिकेश भी देख लो भाई, ये देखिए यहाँ से ऋषिकेश दिखाई दे रहा है। अरे वाह, गजब हो गया भाई, ऋषिकेश देख लिया। और ये देखिए झील, कितनी नीची झील है। मोबाइल नीचे ना गिर दिए भाई, ये देखिए
और ये देखिए कहाँ उल्टा कर रखा है, फोटो नहीं वीडियो बनाओगे। और ये हमारा दोस्त है राजस्थान का, कहाँ से, हनुमानगढ़ से। ये देखिए, और तार्जन भाई को जरूर लाइक करें, तार्जन भाई की वजह से हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। ये देखिए तार्जन भाई हमारे जैसा है, राजस्थानी है भाई। बहुत ही सुंदर बच्चा है और हमारा दोस्त भी बहुत जल्दी बन गया है, राजस्थान से है, हम यूपी से हैं। अच्छा लगा हमारे साथ। ये देखिए, और बहुत ही धैर्यवान बच्चा है, एक बार बुलाया तो हमारे पास आ गया, डरता भी नहीं और हंसमुख भी है। थोड़ा सा स्माइल करो, हंसो, दांत दिखाओ या कोलगेट नहीं करते। थोड़ा दांत दिखाओ यार। पनीर। चलो भाई तार्जन, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और अब चलते हैं नीचे की ओर, दर्शन वर्शन कर लिए, घूम लिए। और ये देखिए ये झील की गहराई, और सामने सब पहाड़ी है ऊंची ऊंची। ये देखिए इधर भी, और ये देखिए कितनी सुंदर दृश्य है, यानी कि ब्यूटीफुल व्यू। ये नीलकंठ की चढ़ाई चढ़ चलनी शुरू हो जाएगी, फिर साथ ही साथ अंग्रेजी भी बोलने लगा हूं यार, याद आ होगी। और ये हम निकलेंगे हैं, चल दिए हैं नीचे की ओर। अभी ये जो है थोड़ा सा पार्ट है, और इधर का व्यू जो मैं पहले भी दिखा चुका हूं, और चलते हैं अब नीचे की ओर। ये माफ करना, मैं आपको दर्शन नहीं करा पाया क्योंकि वो अंदर इजाज़त नहीं थी, परमिशन नहीं थी मोबाइल की। और ये देखिए शिव जी की मूर्त चमक रही है यहाँ से, देखिए कितनी ऊंची मूर्ति है, ये देखिए। चलते हैं धीरे धीरे नीचे की ओर, और नीचे जाके मिलते हैं आपसे। चढ़ते हुए थकावट हुई, लेकिन नीचे उतरते हुए कोई थकावट नहीं होगी। अब फटाफट भाग के चलते हैं, चढ़ जाओ जय बोल के उतर जाएंगे आराम से। और ये देखिए अब बहुत ही ज्यादा तराई आ गई है, अब तराई तराई है, हम नीचे की ओर जा रहे हैं। चलिए भाई, भाई साइड दे दे, बहुत तेज आ रही है तो।
बहुत खुश हैं और बहुत ही अच्छे भैया हैं। और कहां कहां से आए भैया? ठीक चलेगा क्या उधर?